यह है BMW की लेटेस्ट 3 सीरीज़। बेसिकली मैं आया था यहाँ पे 2 सीरीज़ की वीडियो के लिए, मगर 2 सीरीज़ के सारे स्टॉक बिक चुके हैं, नेक्स्ट महीने आएगी। ये बस स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी 2 सीरीज़ ग्रैंड कूपे की वीडियो के लिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ 8 सीरीज़ की ग्रैंड कूपे थी यहाँ पे एक, और बाकी मॉडल्स हैं यहाँ पे। i8 स्पाइडर भी है एक, वो पेज कलर की। 4 सीरीज़ मॉडल्स हैं यहाँ पे, 3 सीरीज़ है, तो करीब ही करीब मेरे पास एक 3 सीरीज़ ही है यहाँ पे 2 सीरीज़ के सबसे करीब। ये वाला मॉडल में छोटे मोटे बस चेंजेस किए हैं उन्होंने, जैसे हेडलाइट्स वही चेंज कर दिए हैं, कुछ बड़ा नुमाया फ़र्क नहीं पूरे मॉडल में। और इसमें 2000 सीसी का इंजन है। इंटीरियर मैं आपको दिखाया था, उसका इंटीरियर थोड़ा सा चेंज किया उन्होंने, डैशबोर्ड थोड़ा सा और क्लियर कर दिया उन्होंने। अच्छा, इसी के पीछे इससे ज़्यादा एक और अच्छा मॉडल है, वो है 330i M Sport। ये M3 नहीं है, ये समझ लें बस 3 सीरीज़ है, वो थोड़ा सा उस पर मेकअप कर दिया है M सीरीज़ का। इंजन सेम है दोनों में, तो इसलिए ये M3 नहीं है। M3 में बिल्कुल अलग इंजन होता है, वो बिल्कुल अलग गाड़ी है। इसमें ये साइड में इन्होंने साइड स्कर्ट्स भी दिए हैं स्पोर्ट्स वाले, स्टिकर भी लगाए हुए दरवाज़ों पे, व्हील्स भी डिफरेंट हैं, डिफ्यूज़र भी तकरीबन सेम ही है, छोटा सा एक स्पॉइलर है डिग्गी पे। तो ये हल्का सा स्पोर्ट मॉडल है। फ्रंट थोड़ा सा डिफरेंट है इसका, फ्रंट में आपको ये बम्पर थोड़ा डिफरेंट है इसका, ग्रिल ब्लैक है बिल्कुल, और फ्रंट स्प्लिटर लगा हुआ है इसमें। आपको अभी इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर काफ़ी सिंपल सा है, कोई ज़्यादा लग्जरियस तो नहीं लग रहा मुझे। ज़्यादा ये BMW की सबसे छोटी गाड़ी है, ये सिर्फ एक होंडा सिटी के साइज़ की गाड़ी है। इसमें बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन है, AC ग्रिल्स हैं, फिर यहाँ पे नीचे AC के कंट्रोल्स हैं सारे, यहाँ पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं सारे, और आई बिलीव ये वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट है, USB का पोर्ट है, यहाँ पे कप होल्डर्स हैं, एस्ट्रे है। और हाँ, ये वाला जो नॉब है ना, ये समझ लें माउस है। सारे जो फंक्शन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर आते हैं वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं। और यहाँ पे इसके साथ ही जो है ना, वो शॉर्टकट्स भी हैं, नेविगेशन, होम, मीडिया, इंटरनेट, सारे इंफॉर्मेशन भी हैं। ये शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे, ऑप्शंस का भी बटन है अलग से, बैक का भी बटन अलग से, ताकि आप गाड़ी चलाते हैं आराम से जो भी फंक्शन आपको चाहिए आप दबा के एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसमें चेंज करने के लिए आप इसको या तो रोटेट करें, या इसको दबाएं, या आगे पीछे ये हिलता है। अभी मैं इसका चलाता हूँ, देखें ये चेंज हो रहा है, तो ये यहाँ से ही हो रहा है सब। ये इसकी गियर स्टिक है, इसमें आई बिलीव एक 7 स्पीड डुअल क्लच गियर बॉक्स है, जो कि ज़बरदस्त है, यानी इस गाड़ी के लिहाज से, जबकि वो तो ज़्यादातर स्पोर्ट्स कार्स में होता है ऐसा डुअल क्लच सिस्टम। अच्छा, ड्राइव मोड्स में इसमें स्पोर्ट में आप चलाना चाहते हैं, या कंफर्टेबल मोड में चलाना चाहते हैं, या इको आप पेट्रोल बचाना चाहते हैं। ऑटो होल्ड सिस्टम भी है, अगर जैसे आप सिग्नल पर रुके हुए हैं उसके लिए आप ऑटो होल्ड सिस्टम दबा दें। पार्किंग सेंसर है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और भी डिफरेंट सिस्टम्स हैं। इंजन स्टार्ट का बटन यहीं पे है। अब क्योंकि ये स्पोर्ट मॉडल है, तो यहाँ पे इन्होंने वुड की जगह कार्बन फाइबर दिया हुआ है। आई बिलीव ये कार्बन है या ये स्पोर्ट प्लास्टिक है, मैश है। अब सारा स्क्रीन जो है ना, अब डिजिटल हो गई है यहाँ पे, सब चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना डिजिटली मिलेंगी। अब आपको ये शेप तो दिया हुआ डायल्स का, डायल्स भी आएंगे नज़र, आपको सुइयाँ भी नज़र आएंगी, वो सब डिजिटल होगा। तो अगर आपको चेंज करना हो कुछ भी, कोई नया फंक्शन ऐड करना है, तो वो भी इसी के अंदर चेंज हो जाएगा। स्टीयरिंग व्हील पे शॉर्टकट्स के लिए बटन्स भी हैं, यहाँ पे फ़ोन के सारे बटन्स हैं, अगर किसी कॉल आ रही हो तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई वॉइस मैसेज भेजना है किसी को वो कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स मेन्यू के लिए बटन है, वॉल्यूम के लिए भी एक नॉब दी हुई, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी जो है शॉर्टकट्स हैं, यही कंप्यूटर सिस्टम के लिए, ताकि आप स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाए बगैर जो है आप यहाँ सारे फंक्शन चेंज कर सकते हैं। प्लस गाड़ी का गियर भी अगर आपको चेंज करना है, तो आप यहाँ पे पेडल्स दिए हैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे, एक पे प्लस है, एक पे माइनस है। प्लस खींचेंगे ज़ाहिर गियर बढ़ेगा, माइनस है गियर कम होगा। तो गाड़ी से आप बगैर हाथ हटाए जो है आप गियर चेंज कर सकते हैं। लेदर स्टीयरिंग व्हील है, अंदर भी ज़्यादातर ब्लैक कलर का लेदर है,
ब्लैक कलर की स्टिचिंग, वो डार्क कलर की स्टिचिंग है। ज़्यादा ये स्पोर्ट मॉडल है तो इसमें स्पोर्ट लुक ही दिया हुआ इन्होंने। एक बड़ी सी सनरूफ भी है इसमें, लाइट्स भी हैं, तो इंटीरियर तो काफ़ी अच्छा है इसका, बैठ के ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे एम्बियंस लाइटिंग भी है, इसमें 6 कलर्स ऑप्शन है आपके पास चूज़ करने के लिए। इसका अगर इंटीरियर देखेंगे तो आपको सस्ता कोई डिफरेंस है नहीं नुमाया, बस ये कि इसका एक्सटीरियर थोड़ा डिफरेंट है, ये कम स्पोर्टी है, वाइट वाली जो है वो ज़्यादा स्पोर्टी है, इसमें जो बम्पर है वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, जो ब्लू वाला मॉडल है ये है तकरीबन 2,07,000 का, और जो वाइट वाला मॉडल है जो एम स्पोर्ट मॉडल है वो है 260,000 का। तो ये हाँ, ये गाड़ी है तो कोरोला के साइज़ की और BMW की सबसे छोटी गाड़ियों में से है, मगर 2,07,000 का मतलब है कि ये आप इसमें दो करोला खरीद सकते हैं और आपके पास एक आधी करोला के लिए भी पैसे बच जाएंगे, और जितने में ये आ जाएगी उतने में तो आपके पास आराम से 3 करोला या 3 से 1 आराम से आ सकती हैं। तो आपके ऊपर आप कौन सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर है अगर आपके बजट से ज़्यादा है ये तो आप 2 सीरीज़ ख़रीद लें, वो आपको फिर भी करोला से तो महंगी होगी, करोला से जबकि थोड़ी छोटी होगी, होंडा सिटी के साइज़ की है या टोयोटा बेल्टा के साइज़ की है वो, मगर ये कि वो आपके फिर भी शायद बजट में आ जाए। अच्छा, और यहाँ पे और जितने भी मॉडल्स हैं उनकी भी वीडियोज़ मैंने बनाई है, जैसे ये है M8, इसमें तो 4,400 CC का इंजन है क्योंकि ये स्पोर्ट्स कार है, ज़्यादा ये इसमें तो बड़ा इंजन हो गई, और उसका कन्वर्टेबल मॉडल भी है, फिर एक यहाँ पे i8 हाइब्रिड गाड़ी भी है। तो सब के जो लिंक्स हैं ना मैं जो वो डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप उसको जाके देख सकते हैं वीडियोस को, और अगर किसी और कंपनी की वीडियोस देखनी है, ऑडी, मर्सिडीज, टोयोटा, होंडा या बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, फेरारी, तो वो सब मेरे चैनल पे हैं, ज़रूर जाकर देखिएगा।